तो इस प्रकार से हमें फरिश्ता कैसे बनना है, जैसे यहाँ होता ना कोई, तो कभी कभी होता किसी से बातचीत कर रहे हैं और किसी का ध्यान और किसी तरफ है और वो जैसे बात को हमारी सुन ही नहीं रहा, है नहीं, ध्यान और कहीं उसके, तो उससे बोलते कहाँ हो, है नहीं, कि बैठा वाले यहाँ है लेकिन ध्यान उसका और कहीं है। तो बल हम बैठे यहाँ हैं लेकिन हमारा बुद्धि कहाँ हो, सूक्ष्म वतन और परम धाम में। जैसे बाबा रहते हुए भी यहाँ नहीं है तो बाबा के हम इतने, बाबा के इतना प्यार का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, गुणों का वर्णन करें, उसका उपकार का हम शुक्रिया करें, उससे जो हमें दिया है प्राप्तियाँ, उससे मिलन मनाते मनाते समा जाएं, उसमें समा जाएं और यहाँ की शुद्ध बुद्ध भूल जाए, तो वही हमारा कौन सा स्वरूप है, है नहीं। तो नेचुरल रूप में फरिश्ता बनना है कि बाबा से मिलन मनाते, क्योंकि हम सबका स्लोगन क्या है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से उठूं, तुम्हारे साथ कर्म करूं, तुम्हारे साथ राज चाहूं, तुम्हारे साथ खेलूं, क्योंकि अपना कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा ये क्या है, प्रभु मिलन है, प्रभु मिलन है, केवल योग नहीं है, लेकिन ये क्या, हम योग में क्या करते हैं, प्रभु मिलन मनाते हैं। तीन प्रकार का मिलन है, एक तो कौन है, साकारी मिलन, और दूसरा आकारी मिलन, और तीसरा कौन सा है, निराकारी मिलन। तीनों मिलन साकारी, तीनों मिलन ही प्रभु मिलन है। साकारी मिलन कौन सा है, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे अथवा बाबा साकार में आते थे। तो जब बच्चे मिलने जाते थे तो बाबा, बच्चे जहाँ सोते थे कमरे के साथ राउंड लगाते थे कमरे के आगे 3:30 बजे, तो जो बच्चे जगे होते थे बाबा की उंगली पकड़ के बाबा के साथ चलने लग पड़े थे। फिर बाबा योग भी कराते थे, फिर मुरली भी सुनाते थे, उसके बाद कर्म योग, सब्जी काटना, अनाज सफाई करना, उसमें भी बाबा साथ में रहते थे, बच्चे भी सब, जो पार्टी की थी वो सेवा भी करती थी सभी। जैसे अभी होता ना इस प्रकार का ट्रेन होता है, यूपी का ट्रेन, फलाने का ट्रेन, ऐसे पहले नहीं था, ये तो नीचे आके ट्रेन बन गए। ऊपर जब था ना, तो ऊपर जब बाबा आते थे ओम शांति भवन, तो चार ग्रुप डिवाइडेगा, एक अनाज सफाई करेगा, एक खाना खिलाएगा, इस प्रकार से एक दूसरी व्यवस्था, कोई ऐसे ग्रुप बांट दिए जाते थे कि आज पंजाब जोन खाना खिलाएगा, आज ये जोन सब्जी काटेगा, आज ये जोन अनाज सफाई करे, ऐसे। तो ये साकार में जब बाबा थे तो बाबा बच्चों के साथ अनाज सफाई करना, सब्जी काटना, उसमें भी बाबा साथ में रहते थे, और तो भी बच्चों के साथ घूमने जाते थे तो भी बच्चों के साथ, है नहीं। तो सारी दिनचर्या किसके साथ होगी, परमपिता परमात्मा के साथ। तो ये हमारा क्या हुआ, साकारी मिलन हुआ। जब बाबा अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा, तो संदेशी वतन में गई और संदेशी समाचार लाई कि अभी भी बाबा का पार्ट वही है जो साकार में था, केवल बाबा ने स्थान चेंज किया। पहले मधुबन में स्थान था, अभी कौन सा है, सूक्ष्म वतन, पार्ट वही है, है नहीं। तो पार्ट वही है, तो जैसे साकार में बाबा से बच्चे मिलने जाते थे तो गोद लेते थे, सारी दिनचर्या परमात्मा के साथ बिताते थे, है नहीं। तो अभी वो अनुभव करने के लिए क्या, गोद का अनुभव करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अभी भी सदा हर कर्म में साथ है, खाना खाते साथ है, कर्म योग करते साथ है,
चलते फिरते भी साथ है, यानी पूरी सारी दिनचर्या परमात्मा का ऑफर है, सदा मेरे को साथ रखो, सर्व संबंधों से साथ रखो। लेकिन अभी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सूक्ष्म वतन में, यानी जब साकार में मिलने जाते थे तो घरवार और संबंधियों को छोड़ के जाते थे, और सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो उस समय कोई मन का भी बंधन नहीं हो। पार्ट वही है।